हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमजे स्टार एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 24 मई 2019 को हुए आरआरबी जेई की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। तो चलते हैं फ्रेंड प्रश्नों की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज की शिफ्ट में पहला प्रश्न पूछा गया था, एक एलसीएम से प्रश्न पूछा गया था कि एबीसी ए स्क्वायर बी क्यूब और सी और ए क्यूब बी क्यूब और सी स्क्वायर में से इनका एलसीएम क्या होगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता होगा कि एलसीएम में ज़्यादा घात वाले संख्या को ही लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसमें ए की घात सबसे ज़्यादा है तो ए का घन हो जाएगा, फिर बी की घात ज़्यादा है तो बी का घन हो जाएगा, और सी की घात फ्रेंड्स 2 है तो ये हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब, भी आपका एलसीएम हो जाएगा। अगर आपको एचसीएफ पूछा हो तो फ्रेंड्स, एचसीएफ में सबसे कम घात वाली संख्या ली जाती है, तो इसमें ए बी सी आपका एचसीएफ हो जाएगा। एक फ्रेंड्स पूछा गया था सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर, एक प्रश्न पूछा गया था कि 20, 10 और 10 का सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ इस प्रकार निकालना चाहिए कि 20 प्लस 10 यानी आपको ये इक्वेशन लगाना है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 करके फर्स्ट इन दोनों का निकाल दो, फिर इनका जो आया हो फिर इसको ऐड करके आप निकाल सकते हो। कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स, जैसे 20 प्लस आप 10 करोगे प्लस 20 मल्टीप्लाई 10 इंटू 100 करोगे तो आपका ये कुछ आ जाएगा 32, फिर 32 में 10 और जोड़ दो तो आपका कुछ आ जाएगा फ्रेंड्स 45.2% आपका सक्सेसिव डिस्काउंट हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था कि ओलंपिक गेम की शुरुआत कब हुई। तो फ्रेंड्स, ओलंपिक गेम की शुरुआत 1896 में ग्रीस में हुई थी, आपको याद रखना है फ्रेंड्स। इसके अलावा पूछा गया था कि पिंक सिटी किसे कहते हैं। तो पिंक सिटी फ्रेंड्स जयपुर को कहते हैं, जयपुर राजस्थान में है। आपको राजस्थान के सीएम का भी नाम याद रखना है, सीएम है अशोक गहलोत और वहाँ के गवर्नर है फ्रेंड्स कल्याण सिंह, ये आपको याद रखना है। आपको राजस्थान की लोकसभा सीट भी याद रखनी है, यहाँ वहाँ की लोकसभा सीट है फ्रेंड्स 25, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं इसलिए आपको याद रखना है। फिर फ्रेंड्स, एक प्रश्न पूछा गया था कि मनीरल सेन कुछ ऐसा ही क्वेश्चन भेजा है स्टूडेंट ने फ्रेंड्स, मनीरल सेन किस से बिलोंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, मनीरल जो सेन है वो फिल्म मेकर है और ये बंगाल के फिल्म मेकर है, बंगाल में रहते थे और इनका अभी दिसंबर में निधन हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक प्रश्न पूछा गया था कि फेडरल कप किस में दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, फेडरल कप जो है टेनिस में दिया जाता है और इस बार का फेडरल कप जो है रोमानिया ने जीता था फ्रेंड्स, रोमानिया की कैपिटल है बुचारेस्ट, आपको याद रखनी है। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स कहाँ है। तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी में। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था कि रावण वन सैटेलाइट किस देश की है। तो जैसा कि फ्रेंड्स, रावण वन सैटेलाइट जो है श्रीलंका की है, ये सैटेलाइट अभी 2-3 महीने पहले ही श्रीलंका ने लॉन्च किया है और ये श्रीलंका की सबसे पहली सैटेलाइट है, इसलिए इस प्रकार का प्रश्न पूछा है इस बार। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा था कि राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के प्रेसिडेंट कौन बने। तो फ्रेंड्स, राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के प्रेसिडेंट बने सर्वपल्ली राधाकृष्ण फ्रेंड्स भारत के प्रेसिडेंट बने राजेंद्र प्रसाद के बाद। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया कि कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत कब और कहाँ हुई। तो कॉमनवेल्थ गेम की शुरुआत जो है फ्रेंड्स 1930 में कनाडा में हुई थी और कॉमनवेल्थ गेम फ्रेंड्स वो देश खेलते जो ब्रिटिश के गुलाम थे, यानी ब्रिटिश के अंडर जो आते थे पहले वही लोग कॉमनवेल्थ गेम खेलते थे। इसके अलावा फ्रेंड्स कोई और क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स इसके अलावा कि फर्स्ट वुमेन कौन है जो स्पेस में गई। तो आपको वेलेंटीना याद रखना है, जो वेलेंटीना है जो फर्स्ट वुमेन है जो स्पेन में गई थी। इसके अलावा पूछा गया था फ्रेंड्स स्पेशल ओलंपिक कहाँ हुआ था। तो फ्रेंड्स, स्पेशल ओलंपिक मार्च के आसपास अबू धाबी में हुआ था, जिसमें भारत ने फ्रेंड्स 350 मेडल के आसपास मेडल जीते थे, आप एक बार चेक कर लेना। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था कि फर्स्ट मसाला सम्मेलन कहाँ हुआ। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट मसाला सम्मेलन यानी स्पाइस सम्मेलन है जो कोची में हुआ था। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था कि सिनेमाघर की जो छत है वो किस आकार की होती है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि सिनेमाघर की छत जो होती है वो कर्व आकार की बनाई जाती है, जिससे फ्रेंड्स सिनेमाघर का जो साउंड है वो टकरा के रूम के अंदर ही रहे, इसलिए सिनेमाघर की छत जो है फ्रेंड्स कर्व आकार की बनाई जाती है। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा कर्व आकार, याद रखना। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा था कि वेट की एसआई यूनिट क्या है। तो फ्रेंड्स, वेट की एसआई यूनिट जो है न्यूटन है। जैसा कि वेट एक प्रकार का फोर्स है तो फोर्स की एसआई यूनिट जो होती है न्यूटन होती है, तो वेट की भी न्यूटन
हो जाएगी। इसके अलावा पूछा गया था कि फ्रेंड्स हाइग्रोमीटर क्या मापता है, तो फ्रेंड्स हाइग्रोमीटर जो है आर्द्रता को मापता है। इसके अलावा हाइड्रोमीटर जो है फ्रेंड्स डेंसिटी मेजर करता है, रिलेटिव डेंसिटी। और बैरोमीटर के बारे में भी पूछा गया है, बैरोमीटर जो है फ्रेंड्स वायुमंडलीय दाब को मेजर करता है। फ्रेंड्स ये प्रश्न एनालॉजी के रूप में पूछा गया था कि हाइग्रोमीटर अगर आर्द्रता मापता है तो बैरोमीटर क्या मापेगा, कुछ इस प्रकार से आया था। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था कि स्नेल के लोक के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा पूछा गया था कि साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो फ्रेंड्स साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा जो होती है वो सॉलिड में होती है, और सॉलिड में भी फ्रेंड्स एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद फ्रेंड्स द्रव्य में होती है, फिर गैस के अंदर होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था पारसेक किसकी यूनिट है, तो फ्रेंड्स पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी यूनिट है, और एक पारसेक बराबर होता है 3 × 10^16 मीटर, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा फ्रेंड्स रीजनिंग का एक प्रश्न पूछा गया था कि अगर पूछा गया था कि 2, 6, 18, 54, 101 और डैश 101 और 101 और 486 में से गलत कौन सा है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये 2 का 3 टाइम हो रहा है, 6 का 3 टाइम हो रहा है, 18 का 3 टाइम हो रहा है, 54 का 3 टाइम फ्रेंड्स होगा 162, तो यहाँ पे दिया है 101, तो आपका ये है 101 जो है फ्रेंड्स वो गलत साबित होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी 101। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था एक सीरीज ये है, इसके अलावा पूछा गया था 197, 170, 145, 122, 101, तो अगला क्या होगा, तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि 157 और 170 में 27 का डिफरेंस है, इसके बाद इनमें 25 का डिफरेंस है, फिर इसमें फ्रेंड्स जो है 23 का डिफरेंस है, इसमें फ्रेंड्स 21 का डिफरेंस है, तो फ्रेंड्स इसमें जो है 19 का डिफरेंस होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 82 आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स पूछा गया था एक वेन डायग्राम से पूछा गया था कि सब्जेक्ट साइंस और फिजिक्स के का वेन डायग्राम कैसा होगा, तो फ्रेंड्स जैसा कि ये सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अंदर ही फ्रेंड्स साइंस आता है और साइंस के अंदर ही फ्रेंड्स फिजिक्स होता है, तो आपका कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया साइंस और ये हो गया फिजिक्स, कुछ इस प्रकार का आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अब फ्रेंड्स मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस की तरफ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।